चला रहे हुए पार्मेंटर, उनसे अगर कॉर्डिनेटर उनका बढ़िया हो जाए तो उसमें कोई भी उनको मेरे घर से अधिकारी वर्ग। मैं राजीव पारकर शहर व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूँ। मेरी भावना भी कहीं ऐसा हूँ, 15 से लेकर सब कृषि व्यापार अभी पहले दे रहे हैं और अभी इतनी भीड़ आएगी सर, अगर हम पर्याप्त दलों की व्यवस्था करेंगे जो स्थायी रूप से करें अगर हम, तो सर आगे आने वाले हर मेले में हमारे लिए वो लाभप्रद होगा। धन्यवाद। बैरागी के संबंध में एक तो सर जो वहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट छूटता है, ठेका छूटता है, वो समय से हो जाए। अभी समय है और अभी समय से छूट जाएगा तो वहां पर सारी जो समस्याएं, हमारा जो एग्जिट प्वाइंट होता है एनएचआई से बैक साइड से हम लोग निकालते हैं एग्जिट प्वाइंट होता है, तो वहां पर उनका कीचड़ और वो लोग नहाते वहां से पानी वानी सब रहता, तो वो भी हमें सुचारू रूप से करना पड़ेगा। इस बात उसको भी हमें प्लान में लेना पड़ेगा। एक हमारा कोई बी प्लान जरूर होना चाहिए कि कभी कभी जैसे बारिश बहुत होती है तो बैरागी में पानी बहुत बढ़ जाता है। समस्या ये आती है अंतिम के चार दिन हो गए सर, जो घरेलू किराया है, सराय है, सीतापुर है, सर जल कंट्री है, लक्षमपुर वाटिकाएं जो क्षेत्र है आसपास के लगभग 30-80 करोड़ है सर, इसलिए जो मार्ग में अवरुद्ध हो जाता है सर। मैं चाहूंगा कि कैसी व्यवस्था की जाए, एटलीस्ट पैदल चलने का मार्ग को कम से कम रूप बना रहे। इसका सबसे बड़ा समाधान ये है क्योंकि मैं निवासी कृषि क्षेत्र का हूँ और व्यापार मंडल दक्षिण निगम द्वारा अभियान चलाया गया, वो आगे आगे हटाते जा रहे हैं और पीछे पीछे लगता जा रहा है पंजाब में, तो सर वो स्थायी समाधान अगर हो जाए तो वो रोड इतनी पर्याप्त है कि उससे दुगनी संख्या में भी वहां सबसे अहम व्यवस्था है।